इंडो पाक बॉर्डर। तो मैं चला ही रहा हूँ खत्म ही हो रहा अभी देख। तो इसको बोलते रण, डरावना है, खतरनाक है, अकेला हूँ बिल्कुल। और ये डरा रहे मुझे, खाली सुनसान सड़क और झाड़ियाँ दोनों तरफ। सुईगा मैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे आखिरी गांव है, क्योंकि 106 किलोमीटर की राइड होने वाली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं गुजरात, राजस्थान को कर लिया था टाटा बाय बाय। तो भाई लोगों आज से होगी जय श्री कृष्णा अपने व्लॉग में। और अपने भाई जो हैं जा रहे हैं भाई अपने घर की तरफ, और मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ कच्छ की तरफ। और एक यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, वो भी कच्छ की तरफ पड़ता है, वहाँ देखने जा रहा हूँ। उस नाड़ावेट जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ आज भाई नाड़ावेट कैसा है भाई और कैसा होने वाला रास्ता। तो भाई अभी हम दोनों का सफर यहाँ से अलग अलग, भाई जा रहे हैं अहमदाबाद, तो होपफुली मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो वील मीट। और उसके बाद भाई अपनी जो है मुंबई को निकल रहा हूँ मैं। हाँ। तो मुंबई के रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही हैं तो वो सब मैं लेते हुए जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, नाड़ावेट चलते हैं, उसके बाद कच्छ शायद अगर हम जाएंगे तो कच्छ भी होते हुए उल्टा सीधा सब घूमते हुए हम लोग मुंबई तक अपना सफर को थोड़ा लंबा करते हुए निकल जाएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और बाय बाय, सी यू। मजा आया, बहुत मस्ती करी, फन किया बहुत, भिच्चे भिच्चे भी सीखा। दोस्तों राजस्थान से अपनी मुंबई की तरफ की इस राइड में भाई मैं गुजरात की सड़कों में राइड कर रहा हूँ। तो बस अभी जो है थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ पे ज़्यादा है, बाकी तो सब कुछ सिमिलर है। वही कांटे वाले पेड़ यहाँ भी हैं रोड के साइड्स में हर तरफ, और हाईवेज तो सेम ही होते हैं। बाकी सनराइज़ हो चुका है और ठंड थोड़ी ज़्यादा थी बॉर्डर वाले एरिया में, तो ठंड से जूझता हुआ निकल रहा हूँ मैं आगे। तो भाई यहाँ पे भी ऊँट गाड़ी आपको दिखाई देगी, जैसे पीछे हमको राजस्थान में दिखती थी वैसी ही ऊँट गाड़ी यहाँ पे भी है। ज़ोर से बोलना पड़ता है बस गोप्रो में मुझे, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। और गूगल आंटी बोल रही है मुझे रहना है नेशनल हाईवे 27 में, तो चलते हैं नेशनल हाईवे 27 में। जब से गुजरात वाली एरिया में एंटर किया तो मुझे एक अलग टाइप के खेत यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, जो कि हमारे यहाँ पे बचपन में हुआ करती थी। इंडी बोलते थे उसको, तो कांटे कांटे टाइप के होते हैं, उसमें से एक बीज निकलता है काले रंग का। और अब इधर पे मुझे कपास के पेड़ दिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कपास के खेत कितने बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे। ये देखो पीछे इंडी वाले जो पेड़ होते थे बोल रहा था मैं, तो उसके खेत हैं बड़े बड़े यहाँ पे। और यहाँ पे ना सागौन के पेड़ भी लगा रखे हैं, तो सागौन भी उग रहा है, इंडी भी उग रही है, और साथ में बगल में है इसमें कपास के पेड़। तो मैंने बाइक को खड़ा कर दिया वहाँ पे, अभी आया हूँ यहाँ पे, पर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये कपास की खेती हो रही है। इधर पूरी वायरिंग लगी है खेत के किनारे किनारे ताकि जानवर ना घुसें इसमें। और ये देखो भाई पूरा इतना बड़ा कपास का खेत है। तो दोस्तों नाड़ावेट के रास्ते में मैं जा रहा था और यहाँ पे रुका हूँ मैं नानोटा में, और यहाँ हमको भाई चाय पिला रहे हैं हमारे बड़े भाई रमेश जी, जिनका ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। रास्ते में जब आप जाओगे नाड़ावेट की तरफ तो वहाँ पे पेट्रोल पम्प पड़ता है, तो अभी चाय वाय पीते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। करीब करीब 90 किलोमीटर और होगा ना यहाँ से, हाँ तो 90 किलोमीटर और कवर करना है आज हमको, शाम को 7 बजे तक पहुँचना पड़ेगा नाड़ावेट। तो भाई सुबह से करीबन 20-25 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, और अभी नाड़ावेट यहाँ से शायद बचा होगा 60 या 70 किलोमीटर। तो मैप में मैंने चेक भी नहीं किया कि बैटरी क्यों ही डाउन करूँ मैं। तो फिलहाल जब भी लोग कोई मेरे को मिल रहे हैं और पीछे से उत्तराखंड पढ़ रहे हैं ना बोर्ड में, तो वो जो स्माइल दे रहे हैं वो यार दिल को छू रही है, तो वो स्माइल उत्तराखंड के लिए भाई लोगों। दोस्तों दगड़ियों साथियों, मैं रास्ते में जा रहा था तो ये हमको मिल गए भाई साहब। आपका नाम? शुभ नाम? मनर भाई। तो मनर भाई हमको मिल गए और मनर भाई ने हमको रोका, अच्छा लगा। कुछ लोगों के पास आजकल समय नहीं होता है लोगों से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने हमको रोक करके अपना समय दिया कीमती और हमसे बात की, तो वो अच्छा लगा। और साथ ही प्रोत्साहन भी दिया हमको और सराहना की हमारे कार्य की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग सराहना करते हैं तो एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, बढ़ता हूँ आगे। थैंक यू सो मच आपका रुकने के लिए। थैंक यू, आपको मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। नाड़ावेट कितने किलोमीटर बचा है वो तो अभी मैं देखता नहीं हूँ गूगल मैप में, क्योंकि देखने के बाद ना अगर ज़्यादा बचा होता तो फिर थोड़ा थकान लगने लग जाती है, अपना मन जो है दिक्कत में आ जाता है। बट अगर कम बचा होगा और मुझे पता ही नहीं लगेगा ऐसे जल्दी जल्दी, और मैं कब पहुंच जाऊंगा मुझे पता भी नहीं लगता है। तो ये वाली जो मेरी ट्रिक है मैं ये यूज़ करता हूं ज़्यादातर अपने जब भी मेरे को लंबी लंबी डिस्टेंसेस पार करने होते हैं। तो आज का भी लंबा डिस्टेंस है और एक तरीके का चैलेंज भी है, क्योंकि 106 किलोमीटर की राइड होने वाली है और करीबन आधी राइड मैं कर चुका हूँ, और आधी राइड बची और आधा दिन भी बचा हुआ है मेरे पास, तो हो ही जाएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, बस लोग अच्छे मिल रहे हैं तो राइड भी अच्छे से चल रही है। तो अभी यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नाड़ावेट 80 किलोमीटर का इंडो पाक बॉर्डर।
तो पता नहीं यार, बोर्ड में 80 दिखा रहा है, गूगल मैप्स में कम दिखा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या दिक्कत है भाई? पता नहीं, गूगल मैप्स दिखा रहा है मुझे करीबन 60 किलोमीटर दिखा रहा है, और यहाँ पे 20 किलोमीटर का अंतर दिखा रहा है। तो शायद वो 20 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर होगा, जो नाला बाइट के ऊपर जो तार बनी हुई दिख रही है ना, तो वो वाला जो बॉर्डर है, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वो होगा नाला बाइट का यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर। तो जो जहाँ पे मुझे पहुँचना है आज, वो तो 60 के अराउंड ही है। तो दोस्तों, मैं जा रहा था अभी रास्ते में, भैया मिल गए मेरे को, प्रकाश माली जी हैं भाई। तो मेरे पास कैश भी कम था, तो भाई ने, मैंने कैश मांगा तो भाई ने कैश दे दिया, और अभी भाई ये लेके आए रेस्टोरेंट में, यहाँ पे होटल में, और खाने का भी आज भैया ने कर दिया लंच का प्रोग्राम यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और भाई गुजरात से भी बहुत सारा प्यार मिलने लगा है आपके भाई को, तो अच्छा लग रहा है भाई गुजरात में भी। राजस्थान में तो बहुत अच्छा रहा था ट्रिप, तो अब गुजरात में बहुत अच्छा, शुरुआत तो बहुत अच्छी है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते। जैसे मैंने आपका जो साइकिल का जो पिछले बार जो लगा हुआ था, देखा कॉल इंडिया घूम रहे हो। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी, हम भी ऐसे घूमते हो तो बहुत मजा आता है, इसलिए आपको मिला बहुत अच्छा लगा। तो भैया जो है बेसिकली ट्रैवलर्स को सपोर्ट करते हैं, तो जो लोग भी ट्रैवलर्स को सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो दोस्तों, खाने में यहाँ पे मेरे को मिली है गेहूँ की रोटी, पापड़ है, प्याज है, काजू की सब्जी, काजू की सब्जी। तो काजू की सब्जी तो मैं पहली बार खा रहा हूँ, और साथ में छाछ है जिसको हमारे यहाँ पे मट्ठा बोलते हैं। तो दोस्तों, खाना खा लिया, यहाँ पे कुलदेवी करके होटल है रास्ते में। तो नाड़ाबेट जब भी आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुलदेवी करके रेस्टोरेंट मिलेगा, होटल मिलेगा। यहाँ पे खाना जो है ना ढाबे का, भाई एक नंबर है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनसे भी बढ़िया खाना है, क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया में, मतलब जहाँ जहाँ स्टेट्स में गया हूँ, सब जगह खाया है। तो यहाँ का जो सब्जी थी, ये वाली काजू वाली, लाजवाब थी, मज़ा आ गया। 4:00 पूरे हो चुके हैं, 58 मिनट, और नाड़ाबेट यहाँ से बचा हुआ है 45। तो भाई लोगों, ये भाई मिले हमें यहाँ पे, स्वीगम में रहते हैं, और इनके पास भी साइकिल है, मेरे साइकिल से घूम रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मोटरसाइकिल में तेल तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं कम से कम, और प्रदूषण भी नहीं फैला रहे हैं। और यहाँ पे एक झील जैसी आ गई है, पता नहीं कौन सी, और ऐसी झीलें आती रहेंगी ना यहाँ पानी की। जो नाड़ाबेट है, उस नाड़ाबेट उसका मतलब क्या होता है? क्या नाड़ाबेट का मतलब क्या होता है? नाड़ाबेट ले वो पुल। अच्छा, पुल। और बेट का मतलब क्या होता है? पुल वो क्या चाहिए, वर्षा का पानी भर रहा है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं नाड़ाबेट। नाड़ाबेट इसलिए बोलते हैं? अच्छा, तो आप लोगों को अगर पता है कि नाड़ाबेट क्यों बोलते हैं तो आप भी कमेंट में बता देना, बाकी भाई ने हमें बताया है। इतनी छोटी वाली चाय, माइक्रो चाय भाई यहाँ मिलती है गुजरात में, छोटी वाली 5 रुपये वाली चाय, और राजस्थान में मिलती है, उत्तराखंड में तो बड़ी वाली मिलती है भाई। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं स्वीगम गांव में, और यहां पे भाई मिले थे, इन्होंने हमें चाय मिली, और यहां पे सर मिले हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि ये जो स्वीगम है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे आखिरी गांव है। तो अभी मुझे पता लगा कि कोई उत्तराखंड का यहां राइडर आया था, साइकिलिस्ट अपना भाई, अब पता नहीं लग रहा पा रहा है कि कौन था। तो चलते हैं आगे, भी मुझे फटाफट से पहुँचना है, क्योंकि सर बता रहे हैं कि वहाँ से अब जो लोग छूटेंगे ना, वो काफ़ी स्पीड में अपनी गाड़ियाँ भगा के लाएंगे, तो उन सबसे बचते हुए मुझे जाना होगा मंदिर तक। तो उसके बाद कल जो है 26 किलोमीटर का सफर होगा, वो तो शायद वहाँ से बस जाती है ना। हाँ, बस जाती है। तो बस जाती है, टू व्हीलर और साइकिल अलाउड नहीं है। तो चलते हैं, सीधे पहुँचते हैं मंदिर में, और देखते हैं आज रहने खाने और सोने का क्या। भाई लोगों, सामने देखो, इधर देखो, उधर देखो, और मेरी तरफ भी देखो, और मेरे पीछे देखो, पूरा वाइड स्प्रेड जो दिख रहा है पीछे, पूरा रण है, रण, और इसको बोलते हैं रण, जहाँ पे पानी आ जाता है बहुत सारा खारा पानी, और पूरा पानी पानी रहता है यहाँ पे, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। और नाड़ाबेट यहाँ से बचा हुआ है 14 किलोमीटर सिर्फ, तो 14 किलोमीटर और जाना है, अभी सनसेट होने में 15-20 मिनट 25 मिनट लगेंगे शायद, तो इतनी देर में पहुँच जाऊँगा। और सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ भी आने वाली हैं, जैसा कि हमको बताया था वहाँ पे जो सर मिले थे, आर्मी वाले जो भी थे या BSF वाले जो भी थे, तो उन्होंने हमको बताया था कि भाई अभी आगे से छूटेंगी टूरिस्ट की गाड़ियाँ, तो संभल करके जाना। तो मैं देखते जा रहा हूँ, अभी एक दो गाड़ियाँ गई हैं, काफ़ी स्पीड में गई थी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड अच्छा है, बट थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, जिस वजह से शायद चांसेस रहते होंगे यहाँ पे प्रॉब्लम होने की। तो संभल के आप लोग भी चलाएं यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि रोड ऊंचा नीचा है, खाली है, इसलिए ज़्यादा ओवर स्पीड ना करें। सन इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू सेट नाउ भाई, थोड़ी देर ऊपर रहेगा और उसके बाद हो जाएगा सनसेट। और यहाँ पे जो जंगल है ना भाई, ये वाला, और ये पूरा सुनसान वीराना रोड। तो सर ने बोला था गाड़ियाँ आएंगी, बट 6:00 को है, सिर्फ एक दो ही गाड़ी आई, तो टूरिस्ट इसका मतलब ज़्यादा यहाँ कोई गया नहीं था। तो
तो भाई कोई गाड़ियाँ आई नहीं या फिर टूरिस्ट अभी तक आए ही नहीं वहाँ से ज़्यादा, तो खाली है पूरा रोड यार, सिर्फ आर्मी की और BSF की गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से बस। और ये डरा रही मुझे, खाली सुनसान सड़क और झाड़ियाँ झाड़ियाँ दोनों तरफ, और पीछे था वो तगड़ा वाला रन, तो उसमें उतना डर नहीं लग रहा था जितना यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि पीछे तो कोई जानवर ऐसे हिल रहा है ना वहाँ से जंगल के अंदर, तो आवाज़ आ रही है उससे, थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है यार। तो फटाफट भगाता हूँ अपनी इस साइकिल को और पहुँचता हूँ भाई नाड़ाबेट, और आज मेरे को नाम याद हो ही जाएगा नाड़ाबेट। तो फाइनली ऐसे ऐसे जगहों में हूँ जहाँ कोई नहीं है भाई, सिर्फ मैं हूँ। तो इसको बोलते हैं रण, डरावना है, खतरनाक है, अकेला हूँ बिल्कुल, लेकिन है बड़ा सेक्सी भाई, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी अकेली सी रोड में। इससे पहले तो भैया कभी साइकिल नहीं चलाई, चलाई थी लद्दाख में, लेकिन वो अलग जगह थी, ये अलग जगह है भाई, ये मोरे प्लेन से यहाँ का भाई रण ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था, बस फीलिंग कुछ और है भाई। वीडियो में शायद उतना खतरनाक दिख नहीं रहा होगा जितना खतरनाक है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ ये काली काली रोड है और खाली खाली रोड है। तो चलता हूँ फटाफट से पहुँचता हूँ भाई, इधर पहुँचना है मेरे को, पहुँचना है मंदिर तक, तो अभी मैं मंदिर से करीबन 9 किलोमीटर दूर हूँ। जिन गाड़ियों की बात हो रही थी वो अब आ रही हैं, देखो आगे से कुछ लाइट्स दिख रही हैं आपको, अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगी मेरे पास, और गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही हैं यार, क्योंकि खाली रोड दिख रहा है ना उनको, तो एकदम गोली की रफ्तार से आ रही हैं, ये देखो। चलते चलते सूरज ढल गया, अंधेरा भी हो गया, एक साइड रण खत्म हो गया, एक साइड झाड़ी भी आ गई, लेकिन ये सारा 9 किलोमीटर खत्म नहीं होता, ये तुक्का है खत्म नहीं होता बाबा। तो ये 9 किलोमीटर कब खत्म होगा भाई, समझ में नहीं आ रहा, 9 किलोमीटर है पता नहीं, 20 किलोमीटर है भाई। चलाते चलाते हालत ख़राब होगी, क्योंकि हेडविंड भी चल रही है ना, साथ में हवा सामने की तरफ से आ रही है, तो मैं चला ही जा रहा हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी देखते कितनी देर में ख़त्म होता है यार। तो भाई हो गया काफ़ी अंधेरा, उधर लाल लाल थोड़ी रोशनी दिख रही है और यहाँ पे कुछ लाइटें दिख रही हैं, तो मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ, उतनी सारी मुसीबतों को पार करने के बाद क्या मुझे रूम मिलेगा, क्योंकि पीछे जो आर्मी वाले थे वो पूछ रहे थे मुझसे कि आपने रूम पहले से बुक किया है नहीं किया है। तो भाई लोगों दिन भर साइकिल चलाने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ नाड़ाबेट सीमा दर्शन वाली बाउंड्री पे, तो फाइनली दिन भर की मेहनत काम आई और 106 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भाई नाड़ाबेट, और अब जा रहा हूं मंदिर की तरफ रहने का जुगाड़ ढूंढने। तो भाई लोगों अभी अंधेरे में जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर आगे, वो जो रोशनी थी ना वो थोड़ी देर के पहले की जो खुशी होती है ना वो थी बस, क्योंकि जो नाड़ाबेट जो बॉर्डर वाली साइड है वो यहीं पर है और मंदिर है आगे, तो रुकने का जो भी सीन है वो आगे है, और कल सुबह मुझे आना है यहाँ पे 9 बजे से पहले 9 बजे तक, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, 3 से 4 हज़ार लोग होंगे बता रहे थे भैया वहाँ पे, तो अब देखते हैं बस में मेरे को जगह मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि साइकिल तो जाएगी नहीं क्योंकि इतना क्राउड होगा भाई, तो देखते हैं भाई हमको जगह मिलेगी तो जाएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उठ के निकल जाऊँ। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं पहुँचता हूँ मंदिर, दोस्तों उस साइड दूर एक जो लाइट दिख रही है ना उधर पे है 0 लाइन, वो पाकिस्तान बॉर्डर है उधर, और मैं इधर चल रहा हूँ बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। तो भाई खतरनाक है भाई यहाँ पे चलना, वैसे तो सेफ्टी है पूरी इंडियन आर्मी की, सब कुछ है, बट फिर भी यार डर तो लगता ही है। तो फाइनली दोस्तों 1 किलोमीटर और चलाने के बाद रात के 7:30 या 8 बज गए, मैं पहुँचा हूँ अभी नाड़ेश्वरी टेम्पल, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मंदिर की घंटी आपको सुनाई दे रही होगी। तो भाई ये है नाड़ेश्वरी टेम्पल का मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो आज यहाँ पे मुझसे पीछे पूछ भी रहे थे आपकी बुकिंग है या नहीं, बुकिंग तो मेरी नहीं है, तो भाई देखते हैं जगह मिलती है नहीं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।